आप अकेले क्यों बैठे हो? अच्छा अच्छा अरे मनोज नहीं ला रहा हूँ, खड़े हो गए हो। जगजी बात तो ये काफी बड़ा है यार, भैया को बताता यार, भैया भी तो सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आपका एंटरटेनर आसू व्लॉग्स आपके समक्ष आ चुका है और अभी मैं हूँ आपका ये रूम देख रहे होंगे और हमारे सामने हैं रोहित भाई, हमारे रोहित भाई। एक्चुअली आज मैं आया हूँ देहरादून रोहित दा के यहाँ, रोहित दा के साथ उनका एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग शूट करने, जो आपको अभी दिख जाएगा, अभी बता नहीं रहा हूँ मैं। सो गाइस, ये आ तो मैं कल ही गया था लेकिन मेरे को जल्दी में आना पड़ा, इसलिए मैंने ब्लॉग बनाया नहीं और अभी भी जल्दी जा रहे हैं क्योंकि हमारा शूट स्टार्ट होना है, लेट नहीं करनी है। सो गाइस अभी चलते हैं और आपसे मिलाते हैं सारी क्रू एंड कास्ट से और आपको पता चल जाएगा कौन सा सॉन्ग है और कैसा सॉन्ग है। सो गाइस बनी रही है आसू ब्लॉग में। गाड़ी हमारी एक आगे से आ रही बलिनो और एक ये है और मैं आ गया हूँ छोटे भाई के साथ, नानू के साथ। हमें उस गाड़ी को फॉलो करना है, उसमें भंडारी साहब, रविता साहा जो हमारी हीरोइन है, और रुक जाओ उनको अंदर, और मैं हूँ अपनी गाड़ी के अंदर और अभी हम चल रहे हैं। और गाइस मिलते हैं आपसे आगे, बने रहिए आसू ब्लॉग्स में और चल दी है गाड़ी। तो ब्रेकफास्ट करने तो गाइस यहाँ देख सकते हैं आप, गाड़ियों ने बड़ा झील कर दिया यार, हमने पार्किंग पे लगाई थी और फिर यहाँ लानी पड़ गई है और हमारे हीरो तो यही लग रहे हैं आज रोहित दा। चलो अंदर चलते हैं और मिलाते हैं और बताइए इंट्रोडक्शन कराएंगे सबका। मिलाते हैं आपसे तो जो यहाँ पे क्रू कास्ट आज के सॉन्ग की, तो हमारे रोहित दा इंट्रोडक्शन कराएंगे। हेलो भैया, अच्छा चिकन बना देंगे। ये हमारे विजय भारती सर भाई हैं, हमारे डायरेक्टर सर, डायरेक्टर हैं विजय सर हमारे, हमारे महेश सर हैं जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छे डीओपी और और वो हैं रविता जी, हेलो हेलो, अच्छे कलाकार हैं जो आज हमारे साथ कलाकारी करेंगी। ओके, और ये हमारे सब ऑल इन वन कह सकते हैं हम, ऑल इन वन। सो गाइस अभी जस्ट ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आए हैं और अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके फिर सीधे अपना शूट लोकेशन यहाँ पे दे रखे हैं, आपको दिखाएंगे। सो गाइस बने रहिए आपके ब्लॉग में, मिलते हैं आपसे जल्दी। सो गाइस बहुत ठंडा हो गया बाहर आप देख सकते हैं और अभी हमने नाश्ता कंप्लीट किया है और मैं आ चुका हूँ गाड़ी में और बहुत समय के बाद, 3-4 महीने के बाद मैं आज कौन सी गाड़ी चला रहा हूँ देख सकते हो, ये गाड़ी रहती है इसी के पास तो आज मैं चला रहा हूँ वरना। तो गाइस अभी चल रहे हैं ऊपर वाली लोकेशन पे और मिलते हैं आपसे अपने पूरे क्रू के साथ और अब होगी हमारी शूटिंग स्टार्ट। ब्रेकफास्ट कर लिया हमने, अब सीधा लगातार करेंगे, आज ही आज में शूट कम्प्लीट करना है। तो गाइस बने रहिए आसू ब्लॉग्स में और दिखाएंगे आपको और कुछ रील बनाई जाएगी हमारी जो नई एक्ट्रेस है रविता जी, रविता साह, उनके साथ। तो गाइस चलते हैं और मिलते हैं आपसे, बने रहिए हमारे ब्लॉगिंग चैनल पे जो है आसू ब्लॉग। तो गाइस हमें शूट करने दे रहे हैं दो बॉडी गार्ड आके, एक पीछे और एक आगे है और ये है कुछ वैली। आप अकेले क्यों बैठे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, तो आज की एक्ट्रेस हमारी रविता जी साथ में, क्या नाम है इसका, इसका नाम क्या है? कल्ली कल्ली कल्ली, इधर दिखाओ एक बार, इसका हाथ दिखाओ, इसको दिखाओ, कल्ली को लेके चल रहे नीचे, चलो आओ चलो, हेलो कल्ली। अरे मनोज नहीं ला रहा हूँ, खड़े हो गए हो। अच्छा है, फ्रेंडली है यार ये तो, ओए ओए ओए, नहीं कर रहा कुछ नहीं कर। सो गाइस यू आर मोस्ट वेलकम कैफे स्पैरो और यहाँ पे हमने काफ़ी गाने शूट कर रखे हैं, हिंदी और पंजाबी गाने और भी शूट हो रखे हैं, बहुत अच्छी लोकेशन है। अभी जब हम यहाँ पे गाना बनाएंगे और गाना आएगा तो तब आपको मज़ा आएगा। स्विमिंग पूल देख सकते हैं, गंदा हो रहा है अभी बिकॉज अभी आजकल यूज़ नहीं कर रहे हैं, यूज़ में नहीं है ये रूम, बहुत अच्छा स्वीट रूम है और इट्स लाइक अ होम स्टे, मतलब कैफ काफी बड़ा है ना, घर बाहर से छोटा लगता है अंदर को ज्यादा बड़ा। ये इसके ओनर जो हमारे बग्गा भाई बहुत अच्छे व्यवहार के भी धनी है और यहाँ पे बहुत अच्छी गजल पार्टी और छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं। यही है तो पहला टेक और शूट यहीं पे होगा, एक्ट्रेस मेकअप और ये सब रेडी हो रहे हैं और तो गाइस मिलते हैं, बनी रही है व्लॉग में। तो गाइस मैं अंदर आ चुका हूँ, हमें एक रूम मिला है जहाँ पे मैं चेंज करूँगा और रूम का टूर मैं आपको दे दूं, कुछ इस प्रकार का है रूम। छोटा भाई मेरा, एक टीवी रखा है, रूम काफ़ी बड़ा है सही है और हमारा पहला टेक होगा यहीं पे और ये मेरा भाई छोटा, और मैं आपको यहाँ का बाथरूम भी दिखा देता हूँ एक बार। तो बाथरूम रूम से कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, पहले आता है तो वॉश बेसन शीशा, फिर तो उसके बाद गीज़र लगाइए यहाँ पर, यह आपका जगजी बाथ, तो ये काफ़ी बड़ा है यार बाथरूम।
और ये पैलेस भी बहुत अच्छा है, मुझे तो सही लगा। अब मैं पहले अपने पहले टेक के जो सूट है उसके ड्रेसअप हो जाता हूँ। मैं 3-4 ड्रेस लाया हूँ, ड्रेसअप होने के बाद मिलते हैं। भैया को भी तो आता है यार, भैया भी तो खत्म हो जाता है। उल्लू है ऊपर, वुल्फ है, कम है। ये थर्ड टेक है ना हमारा, लास्ट टेक है ना, ये तो लास्ट टेक है ना, लास्ट टेक है। वो खाली फीमेल का मेकअप करते हैं और बहुत ही अकड़ू किस्म के मेकअप आर्टिस्ट आए थे। चले गए वो? हाँ चले गए हैं, थोड़ी देर के लिए आए थे, उन्होंने मेकअप करके चले गए। शराफत का बोझा लेके चल रहा हूँ अपने चेहरे पे और ये रुक समझ नहीं रहे ये इन सब चीजों को समझते नहीं है। मैं बहुत सीधा लड़का हूँ, क्या करूँ, वो लेडीज में हूँ, आदत से मजबूर। अरे सूट के लिए आ गए, ठंडा काफी हो रहा था, जैकेट पहन रखे, जब टेक लेंगे तब उतारा जाएगा। दिमाग होना नहीं चाहता अभी, आगे और भी काम करना है और सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं आज। टोटली मैं एंजॉय के मूड में नहीं हूँ, बिकॉज अभी काम चल रहा है। हमारी मेन लीड एक्ट्रेस हैं रविता साहा जी, पकड़ी नहीं आते जिम में। इसका मिनी साइज है वो, बस सॉन्ग का आखिरी अंतर है। और ये हमारी एक्ट्रेस रविता जी। और कैसे हैं आप, आपका भी फर्स्ट हरियाणवी है या करा है? नहीं, पहली बार। अभी तक कौन से सॉन्ग करे हैं आपने? ओके, और चलो बहुत बढ़िया है। और आज मेरा भी फर्स्ट ही है पहाड़ी कुमाऊनी सॉन्ग करे हैं, 2-3 इससे ज्यादा नहीं। तो आज नए अवतार में कर रहे हैं और दिखाते हैं आपको। वहाँ चल रही है पूजा और इसके बाद करेंगे आरंभ अपने सूट का। सो गाइस बने रहिए, मिलते हैं आपसे जल्दी। चलो ठीक है। सो गाइस अच्छा काम करने से पहले एक बार पूजा संबंध कर लेनी चाहिए। तो चल ही रहा है प्रोसेस, देख सकते हैं आप। कास्टिंग क्रू हमारे, आइए सर रोहित दा, आओ। ठीक है, ठीक है। मजा आने वाला माहौल देख सकते हैं आप, वो भी वैसे ही रहा ठंडा। मतलब आपने सोचा था कि यार भाई पूरा सफेद होगा और मैं भी पूरा व्हाइट व्हाइट पहन के आऊंगा, तो आज कॉम्बिनेशन मौसम के साथ से पहन के आए हैं। आप देख सकते हैं, खत्म हो चुका है हमारा। और कितना टाइम लग गया, 3 घंटे इसमें लग गए हैं। और हमारे विजय सर बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, हमारे कैमरामैन महेश भाई तरीके से खींच और रोहित दा तो पता नहीं कहाँ चले गए थे, किसी और के सूट में जा गए थे बगल में बगल। सो गाइस आजकल थोड़ा सा ऐसी व्यस्तता चल रही है, बेसिकली मैं और हमारे साथ भाई टैटू वाले भाई, तेरे नामा का टैटू लिखते हैं, तो हम दोनों चले गए थे नीचे हल्का फुल्का चाय कॉफी ब्रेकफास्ट करने के लिए। एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर द लंच, और लंच में जोही भात मंगाया था लेकिन जोही भात मिला नहीं यहाँ, तो मैंने दाल फ्राई तड़का और सैलेड और जीरा राइस। होप सो कि आप लोगों को पसंद आए, आपको अच्छा टेस्टी चिकन खाना। आप लोग जरूर सुभाषी से कॉल करें, बहुत अच्छा बनाया था। शादी ब्याह पार्टियों में चिकन बनाने के लिए जरूर संपर्क करें। बारिश करवा दी, हाँ लंच कर लिया जाए। हमारे साथ हमारी सपना चौधरी, आप लोग बहुत थक चुके, प्लीज आप तो खाना खाइए। ये किस लिए था, मैं समझ चुका हूँ बहुत अच्छे से। कैसा रहा सपना जी, सॉरी क्या नाम था, मैं भूल गया, रविता जी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताने लग कैसी लगी एक बार प्लीज। सो गाइस खाना खाते फिर मिलते हैं आपसे, बने रहिए। दिया जा रहा है मेन एक्ट्रेस का, इसके ऊपर गाना है, चलते हैं आप सामने, अभी खाना खाया इसके बाद। ऊपर को रखो थोड़ा सा ऐसे करके, ये फेस नहीं दिख रहा चाहिए, फोन दिख रहा है। सो गाइस हमारे जो बाहर के शॉट्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, अभी थोड़ा बोलने वाले हैं। तो
ये कुछ लुक है कमरे के अंदर। डायलॉग अलग लगे ना यार, यहाँ से भी लगेंगे। एक्शन एक्शन चल साली सर, रेडी एक्शन। मिला कहाँ रह गए बोलो, इतने ठीक है पीजी कहाँ रह गए, घर आने का टाइम ना होएगा तारा, फिर इसको फ्लो में बोलना है। कितना रह गया, कहाँ रह गए, घर आने का टाइम ना हो रहा तारा, ये भी क्या नहीं सुनो ऐसे बोलना जैसे लगना चाहिए वो फ्लो मतलब ना? प्यार रोमांटिक जी कहाँ रह गए, घर आने का टाइम ना हो, घर आने का टाइम ना हो अब कल करेंगे लेकिन ये लोकेशन नहीं रहेगी। और मैम हमारी रविता जी काफी मस्त एक्टिंग करी है इन्होंने, और क्या लग रही है, एक बार हाई कर दीजिए। और कल मिलते हैं, फिर कल हमारा लास्ट टेक होगा और चलते हैं गाइस, मिलते हैं आपसे घर पे। सूट दगड़ियों, अभी हमारा सूट कंप्लीट हुआ, एक को छोड़ना था बहुत दूर छोड़ के, अभी जस्ट हम तीनों डायरेक्टर साहब और रोहित भंडारी जी और हमारे जो डीओपी मैन है, हमारे जो कैमरामैन थे, हमारे महेश भाई, तीनों यहाँ बैठे। मतलब ये आते ही हमारे भैया देख सकते हैं आप काम में लग गए हैं। हाँ जी, और हम इसे पेमेंट मांग रहे हैं, बहुत बस तो लुकी करते हैं रखते हैं हमें। गाइस ये वीडियो तक ही सीमित रखें, ऐसा नहीं है, महेश भाई हमारे भाई हैं बहुत अच्छे, और ये मजाक था ही थोड़ा सा। अब बहुत अच्छा सूट कराया हमारे महेश भाई ने सुबह से शाम। सो गाइस अभी जस्ट डिनर करेंगे, उसके बाद ब्लॉग को एंड करेंगे। आज काफी मजा आया, तो गाइस बने रहे ब्लॉग में।